एक दो तीन चार पाँच छह और एक सात, सात तीन 15 किलो। चलो ऊपर चलो भैया। बुलंदशहर के किराना स्टोर के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा। पारस के मार्केटिंग इंटेलिजेंट ऑफिसर की सूचना पर यह छापामार कार्रवाई की गई। मौके पर भारी मात्रा में पारस की पैकिंग का घी मिला है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इंटेलिजेंट ऑफिसर का दावा है कि पारस की नकली पैकिंग करके उसको बेचा जा रहा था। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गोदाम पर सीलिंग की कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी के नमूने भी जमा किए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। पारस के इंटेलिजेंट ऑफिसर ने गोदाम स्वामी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सिकंदराबाद के जेवराड्डा स्थित एक किराना स्टोर पर पारस वाली पैकिंग का ये घी बेचा जा रहा था। देखिए, वीआरएस फूड्स जो पारस के नाम से घी बनाती है, इसके प्रतिनिधि हम लोगों से मिले थे और इनके द्वारा शिकायत थी कि मार्केट में इनके नाम का डुप्लीकेट घी बेचा जा रहा है। तो इनके साथ हम लोगों ने यहाँ के जब जांच की है तो लगभग 2 पेटियों में पारस घी के डब्बे हैं और कुछ टिन हैं जो प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए हैं, क्वालिटी की सैंपलिंग की जाँच कराई जा रही है। साथ में कंपनी प्रतिनिधि अपने जो कॉपीराइट का उनका उल्लंघन किया गया है उसमें मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, डब्बों की पैकिंग साफ बता रही है कि वो जल्दबाजी में फेविकोल वगैरह से चिपकाए गए डब्बे हैं। साथ में जो घी है वो बिल्कुल जो पिन्नी है उस पर कोई कंपनी का मार्का नहीं है। साथ में जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लिक्विड जैसा घी ऐसा जा रहा है इस टेम्परेचर पे भी, और स्मेल भी एसेंस वगैरह मिला के उसमें बनाया गया है। बाकी लैब रिपोर्ट इसकी आ जाएगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये जो सर घी है लगभग कितनी कीमत का रहा होगा जो फिलहाल ही? देखिए, अभी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है, लगभग 100-200 किलो के लगभग घी बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल बैठेगा, और हालांकि नकली के हिसाब से कीमत बहुत सस्ती रहती है। इसका बाजार मूल्य 200 रुपये से शुरू होता है और जितना 300-400 तक इनका बिकता है ये बेच रहे हैं। इतने जा रहे हो ना आप तो आपको खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से उंगली डालो और ये उंगली अंदर चली जाएगी पूरी। जो ओरिजिनल होती है उसके अंदर जो उंगली नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है पाउच इन्होंने पैक करके ऐसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको खोल के। ये देखो, कंपनी का जो पाउच होता है वो होता है, मतलब जो है एक कलर छपा हुआ हमारा, उस पर लिखा होगा पारस भी मधुसूदन, मतलब हर कंपनी का अलग होता है, और इसके अंदर फ्लेक्सीबल चिपका हुआ होता है। ये वो है जो खाना पैक करके देते हैं, मतलब जो वो पाउच अपने पैक करे, जिस ब्रांड का ऑर्डर आया डब्बा जो है ये छपवा रखे हैं, अपने उसके अंदर डाला और दे दिया। ये देखो, ये कहीं भी चिपकी हुई नहीं है, कोई से भी डब्बा खोल के देख लो। आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर। अच्छा, आरएस फूड से। ठीक है, तो आप, आपको कोई शिकायत यहाँ मिली थी कैसे? हाँ, आपको एक्चुअली क्या है कि हम मार्केट करते हैं, तो जब जो है कंपनी से जो सस्ता माल बिकता है कहीं पर भी, 500 रुपए या 400 रुपए डाउन या 50 रुपए जो लैंडिंग होती है कंपनी की, तो उसकी कंपनी सैंपल उठवाती है हर जगह से, तो उसकी लैब में अपने जो हमारी कंपनी की लैब है चेक करवाती है, क्वालिटी चेक करती है, तो उसमें पता चलता है कौन कौन दुकानदार गलत माल बेच रहे हैं, या फिर दुकानदारों की खास व्यापारियों की शिकायत होती है जितने का आप दे रहे हैं उससे सस्ता तो मार्केट में बिक रहा है। ये जो गोपनीय जांच आपकी तरफ से की जा रही थी, इसमें कहां तक पहुंचे आप, क्या मानते हैं? फुल फाइनल पहुंच गए, अब ये खुद बना रहे हैं या इनके कौन साथी, वो ये बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये माल बिल्कुल नकली है, 100% नकली है, ये पॉलीयरी है, ये सामने ऐसी ये टीन में कर रहे हैं, टीन जो कबाड़े से खरीद करके पुराने टीन, मतलब जो दोबारा रीफिलिंग का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर गत्ता भी इन्होंने पुराना ले लिया तो मोहर बनवानी होती है 50 रुपए। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।